में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने एक आवेदन किया है जिसमें 39 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कहना है कि उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रह गया है। 20 जुलाई को राया विकास खंड सभागार में प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह किया गया था, जिसमें किसी कारणवश शपथ समारोह से वंचित रह गए 39 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने गुरुवार को विकास खंड अधिकारी प्रशांत रंजन शर्मा को आवेदन पत्र सौंप शपथ समारोह कराने की मांग रखी। खंड विकास अधिकारी प्रभात रंजन शर्मा ने बताया कि शासन को रिपोर्ट के साथ क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा दिए गए आवेदन सौंपे जाएंगे। शासन द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसी के आधार पर बाकी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। आज गुरुवार को पूर्व भाजपा विधायक प्रणत पाल सिंह दत्त के नेतृत्व में 39 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने विकास खंड राया पहुंचकर विकास खंड अधिकारी प्रभात रंजन शर्मा को आवेदन सौंपे। इस संबंध में विकास खंड अधिकारी ने बताया कि 20 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को उप जिलाधिकारी महावन कृष्णानंद तिवारी द्वारा शपथ ग्रहण कराई थी। किन्हीं कारणों से 39 क्षेत्र पंचायत सदस्य शपथ ग्रहण नहीं कर पाए, जिनके आवेदन लेकर जिलाधिकारी मथुरा को भेज दिया जाएंगे और शासन द्वारा निर्धारित तिथि के आधार पर बाकी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रेमपाल, जिला पंचायत सदस्य खेम सिंह, सुरेश प्रधान, के गौतम, सावित्री देवी, बब्बर सिंह, जितेंद्र सिंह, कौशलेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, नेत्रपाल सिंह, बनवारी सिंह, गौरव चौधरी, मनीष कुमार आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अमित अग्रवाल, राया, समाचार 24। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के 19 जुलाई के आदेश एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत नियमावली 1994 के प्रावधानों के तहत 20 जुलाई को दो पारियों में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम विकासखंड राया पर आयोजित किया गया था, जिसमें प्रथम पारी में 11 बजे तथा द्वितीय पारी में 2 बजे शपथ ग्रहण कराया जाना था। उस दिन जितने हमारे माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रमुख जी आए उनको शपथ दिला दी गई। आज मेरे पास में 39 सदस्यों द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में क्योंकि नियम यह था, जो हमें आदेश जारी हुआ है उसमें 20 जुलाई को क्षेत्र पंचायत प्रमुख की शपथ माननीय हमारे उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा कराई जानी थी, तदुपरांत क्षेत्र पंचायत सदस्यों की शपथ हमारे प्रमुख जी, माननीय प्रमुख जी अथवा उनकी अनुपस्थिति में मेरे द्वारा कराई जा सकती थी। क्योंकि आज की तारीख के लिए मेरे पास में कोई आदेश नहीं है, इसलिए मैं जिलाधिकारी महोदय के आदेश को संक्रमित नहीं कर सकता हूँ। मेरे द्वारा आवेदन ले लिया गया है, शीघ्र इसके संबंध में दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जो भी स्थिति होगी वो आपको अवगत करा दी जाएगी। सदस्यों को क्योंकि हमारे पास में शपथ ग्रहण के लिए आए थे व्यक्ति, वो बोल रहे थे कि हम अपने शपथ कराना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा सामने शपथ के आवेदन हेतु सभी को बुलाया गया था कि जो जो किस कारण से नहीं आए, ये जानना जरूरी था कि आखिर किस कारण से वो शपथ ग्रहण वाले दिन नहीं आ पाए। तो क्योंकि बुलाया गया था इसलिए सभी लोग आए थे। जहाँ जनता होती है, जहाँ क्लाउड होता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए भी नारे लग सकते हैं। तो इससे ये वो तो उनका आपसी निजी मामला था, लेकिन क्योंकि मेरे को आवेदन लेने थे इसलिए मेरे द्वारा सभी को बुलाया गया था, उनके द्वारा आवेदन दे दिए गए। शीघ्र इसमें जो भी निर्देश आएंगे उनको आपको अवगत कराया जाएगा।